हम सबको बचपन में लगता है कि हम बड़े होके पहाड़ घूमेंगे, नदियों का पानी पिएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता लगता है कि ये सब तो एक झूठ था। लेकिन क्या हर चीज झूठ थी? वो नदियां, वो वादियां, वो जन्नत, वो पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया। तो आओ मेरे साथ और ढूंढते हैं उस दुनिया को, उस जन्नत को जिसका नाम है कश्मीर। तू है मुझ में समाया, कहां लेके मुझे आया, मैं हूं तुझ में समाया, तेरे पीछे चलाया, तेरा ही मैं एक साया। हा कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया। तो भाई अब है एंड्रू श्रीनगर जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू ये पहली बार कर रहे हैं हम, तो हमें ज्यादा पता नहीं है भाई। सौरभ जोशी हमारे अंदर नया नया जागा है, तो हमने शुरू कर दिया। और किसी को आती है व्लॉगिंग कैसे करनी है, क्या तरीका है? करता था भाई, यूट्यूब पे सिखाता था। हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। भाई हमने कश्मीरी फूड ट्राई करा है, हम जब से यहाँ आए हैं पहले दिन हमने कश्मीरी फूड ही खाया है। और जो मैं कहूँगा जो दिल्ली से है, मुझे लगता नहीं कि मतलब टेस्ट बर्ड इतने उसके डेवलप हो गए कि खा पाएगा। मतलब अगर बटर वाली चाय पीते हो तो नमक वाली की चाय में बटर डलता है और नमक डलता है भाई कश्मीरी चाय में। तो आप लोग इनसे चीखे कैसे चाय की बात। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, समा जा। तो भाई अब हम निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। 10:30 कुछ निकलना था, 12:30 हमने बजा दिए क्योंकि 10:30 तो हम उठे थे। मुझे आज का बहुत एक्साइटमेंट है, सोनमर्ग सबसे ऑफ बीट जगह है कश्मीर की, कोई भी टूरिस्ट नहीं जाता है हमारी, तो आज आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी मैं है और मैं देख के मेरा दिल खुश हो रहा है। आज मटन का जुगाड़ हो गया गाइस, डब विच घोड़ा रख दा। और ये हमारा कसाई, ये मैं को नहीं पकड़ पा रहा है। मैं ना हो गई, कोई लड़की हो गई, इसके जीवन में आने को राजी नहीं हो रही है। सारी उम्र में जो आप बताएंगे इतने बकरे क्यों मार जाते बता भाई। बकरे ज्यादा मारने का कारण है कि बकरे मैं बहुत करते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर मैं नहीं होना चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सबको पसंद आए तो फिर बढ़िया है, सब कमेंट करेंगे। डिसलाइक बटन फॉर यार, तो यार तू गाइस हमारा टारगेट रहेगा इसे मोस्ट हेटेड वीडियो बनाना। तुम जैसे मादर चौदह को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है बहन। पकड़ ली। ये बहुत प्यार करता है मैं से, अब क्योंकि मैं ही बची इसकी जिंदगी में। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्ता हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर है गमगी, वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे भूल सी गई। इतना दर्द ना दिया कर, ए जिंदगी है किसी के पास हम दर्द नहीं। अरे वाह वाह वाह, वाले उतर आए ना शेर व शायरी पे, ये जितने भी है जितने ये मिर्जा गालिब के सारे उस्तादों को पछाड़ देंगे। ये मानते हो अगर कश्मीर के कई सारे ट्रक यूनियन पूरा आ गया? अबे क्या पता ये उस्ताद के ही लिखे हुए इन्होंने, अबे इनके लिखे हुए हैं, उस्ताद इनके आगे झुक जाते हैं ट्रक वालों के आगे। इनकी प्लेलिस्ट चल जाती है ना जब एक बार गानों की, वो तो एवरग्रीन होते हैं जो जो इनकी प्लेलिस्ट होती है ट्रक वालों की, एक नंबर। मुझसे मोहब्बत का इजहार। फुल हो रही है कैंपिंग की तैयारी, देखिए कैंप लग रहा है। ये विशेष भाई देखो अपने जीरो एफर्ट के साथ। अंगद भाई अपनी शक्ल तो दिखाओ यार, तुम चैनल मेरा है ना? हाँ चैनल तेरा है ना मेरा। भाई बाकी लोग बंदे गए नीचे लकड़ लेने, हम चाय वाय बना रहे, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड बढ़ गई है, सबकी जैकेट निकल गई है, इस आदमी को छोड़ के, इस गर्म खून को छोड़ के। 8:30 बज रहे हैं और ये हमारा लाइटर खराब हो गया है।
हमारे पास खाना बनाने के लिए आग नहीं है भाई। और जो थोड़ा बहुत तो आग आ रही थी एचपी भाई ने उसमें अपनी कलाकारी मार की, वो भी खत्म कर दी। या हमारा ही चिकन बनेगा क्योंकि सिग्नल जोन यहाँ पर है नहीं, जीरो है भाई सिग्नल, और हम बता नहीं पा रहे कि हमारा लाइटर खराब है। इसको देख यार भाई, देखो हमसे जो लाइटर खराब हुआ है, हमसे हुआ ही नहीं ना। अबे हमसे हुआ, हम मानने थोड़ी, क्योंकि तुम लोग भी तो हमसे नहीं हुआ। हम मानने नहीं वाले। सच्चाई जो कहना चाहती है वो ये है कि लाइटर देखो हमसे ही खराब हुआ है। स्टोरी बोलनी क्या है उनके आगे जो आएंगे भाई। स्टोरी ये है देख, भैया हमने तो लाइटर छेड़ा, लाइटर खुद ही खराब हुआ। लाइटर को एक बार दबाया, लाइटर ही खराब हो गया। लाइटर ही खराब हो गया। तो भाई खुशखबरी की बात है, लाइटर वो नीचे से लाइटर ले आए हैं और हमने अपना सारी कहानी बता दी है कि लाइटर की गैस खत्म हो गई, लाइटर का ये हो गया वो गया, फलकाना टेक्निकल डिफॉल्ट है, टेक्निकल डिफॉल्ट है। तो लाइटर आ गया भाई, अब आग उग जल जाएगी, खाना खुना खा लेंगे, अब भूखे नहीं मरेंगे भाई। आ गए अभी हम लकड़ियां लेकर आए हैं, वहाँ पे खरगोश के बच्चे थे, मन तो बहुत किया कि उन्हें भी उठा के उनका भी मीट बनाया जाए। अबे शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है। ओए यार वो कह रहा है बॉलेट वाली बात तो बता कि पूरा भाई साहब इतनी आप लकड़ियां देखो, इतनी सारी लकड़ी में वॉलेट खाली हो गया मेरा पूरा, सोचो कितने की होगी। आज जवाब है 100 रुपए की आई वॉलेट भी इसके साथ। तो भाई अभी जो मतलब यहाँ का माहौल है, जो सीन है, मतलब हमारे फोन वो कैप्चर नहीं कर सकते भाई, इतने एडवांस नहीं है, लेकिन हम फोटोज डाल रहे हैं, वो देख के आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ है, क्या मौसम है, क्या, क्योंकि हमारे पास कैमरा भी नहीं है, कैमरा नहीं है, हम आईफोन से ही जो कर रहे हैं, बट आईफोन में जो फोटोज आई हैं उसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा किसी ने यहाँ क्या चीज क्या है। सही कहा है, अगर धरती पे जन्नत है तो भाई वो कश्मीर ही है। भाई ये दूध गंगा की ट्रैक पे जा रहे हो, देखो कहाँ पहुँच गया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा तो हमें देखना भी नहीं। जो हमें देख लीजिए, खरगोश वाली कहानी नहीं है वो अपनी। तो बेटे मतलब हम कछुए हैं और हम जीतेंगे। हाँ हम ही जीतेंगे भाई। पहुँच गए, कौन सी गंगा थी, दूध गंगा पहुँच गए, सेम ही टाइम पे पहुँचे है, तुम भी आई हो हम भी आई है, जलवा है हमारा है भैया सेम टाइम पे वो रे भाई। ये है दूध गंगा, सारे अपना जरा गए हुए हैं, मैं आराम से बैठा हूँ हमारे नए दोस्त भाई के साथ। हेलो कर दो भाई। अभी हेलो अभी तुम्हारा ही है चैनल, अभी ये ब्लॉग तुम्हारे नाम है, ठीक है। दिल्ली आओगे फिर इसके बाद? हाँ। आओगे, बंदे सही है दिल्ली वाले, हम सही है, ठीक है बाय भाई। दम दर दम दर मस्त मस्त दर दम दर दम दर मस्त मस्त दर दम दर दम दम ओ हम दम बिन तेरे क्या जीना। तो भाई आज हम जा रहे हैं पीर की गली पहाड़ी है और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, वो आगे देख जहाँ बर्फ वाले पहाड़ है, हमें वहीं जाना है, हमने वहाँ जाना है और अभी हम यहाँ है। आप लोकल हमें देख के कह रहे तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए भाई साहब, तुम तो टूरिस्ट हो। हमने कहा हम टूरिस्ट है, हम यहाँ के रहने वाले है, हम राजा है, मतलब मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा क्रिएटर सृष्टि करता, शेर जादू ही कहते, चीता ही कहते। ये हमारे से इक्का पाजी है, ये एक तो मैं बंदा बहुत खराब हूँ। बाउंसरों को मारा भाई, बाउंसरों को मारा, क्लब तोड़ दिया भाई, टेबलों पे मार भाई। ये बकचोदी मत करो यार, बकचोदी मत करो यार। अब हमें ट्रैक रोकनी पड़ गई है क्योंकि ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। बल्ले 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 भाई, अब ओले रुक गए हैं, अब हम निकल रहे हैं फिर से, लगता है बर्फ पड़ने वाली है भाई। भाई बुट्टा कैसा आओ ना, और ये बुट्टा देखो मत खाना, बहुत गू है। वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर की इन गलियों में आके चाय पी जाऊंगा, कट रहेगा, दिल्ली वालों को पता नहीं है, टूरिस्ट वालों को नहीं पता। और अगर दिल्ली वाले यहाँ पे ज्यादा बढ़े तो दोबारा से यहाँ गंद फैल जाएगा। तो ये जगह का नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ। ठंडी हवा रातों में तुझको थपकियां देती होगी। और अब हम आए एक वाटरफॉल पे, अहरवाल वाटरफॉल, बहुत ज्यादा नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर कहते हैं इसको। बाहर लिखा हुआ है भाई, बोर्ड में लिखा हुआ है, पागल नहीं बना, लेकिन सुंदर है, लेकिन सुंदर है, आप लोग बता भी सकते हो नायग्रा फॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी है। टोंग टोंग बजे टोंग वाले वाले वाले
संगत जोहर जो है हमें छोड़ के चले गए। अभी तो यहीं थे, चैनल बना के कहाँ चले बापू। अंगद जोहर जो जिनको हमने अपने बलबूते पे खड़ा करा है, अब उनकी याद में हम उनका चैनल चलाएंगे। मरा नहीं हूँ मैं। मिरेकल हो गया, बापू जिंदा है। आर्यन को ये फोटोग्राफ खिंचवानी थी अपनी, उसको कोई गर्लफ्रेंड चाहिए थी तो उसके लिए हमने ये अभी अरेंज करी है। Bring me back! मैं का प्यार आर्यन भाई के लिए प्री वेडिंग शूट हो गया आर्यन का। कोई आज तक बंदी नहीं मिली, लेकिन मैंने पूरा प्यार दिया है। यही है जो कभी मेरे को चिक चिक नहीं करेगी टाइम। ये तो आखिरकार हमने ढूंढ ही ली वो नदियाँ, वो वादियाँ, वो पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया जिसका नाम है कश्मीर। बहुत से दोस्त बनाए और बहुत अच्छी यादें, और इन दिनों में मैंने समझा कि लाइफ इज गुड भाई, लाइफ इज गुड। चलो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में किसी नई जगह नई यादें बनाने, क्योंकि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।